है ना। ऑफ कोर्स एक ग्राफिकल फॉर्म में बताना, प्रेजेंट कराना, अपनी वैल्यूज दिखाना, समझाना इज लाइक अ मोर वर्क कि मतलब बहुत अच्छी चीज है ये। ठीक है, इस पे भी हम आगे चलेंगे। सो दीज ऑल स्टेप्स इंक्लूड इन डेटा साइंस, कैसे हमारा डेटा साइंस वर्क करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप। अब डेटा साइंस पढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटीज किस किस सेक्टर्स में है, डिफरेंट सेक्टर्स में। ठीक है, जैसे कि सबको पता है कि भाई कॉर्पोरेट्स और आईटी में डेटा साइंटिस्ट तो चाहिए चाहिए, हर कंपनी को एक डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट तो चाहिए चाहिए, क्योंकि जहां डेटा है वहां पे डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट है। इसके अलावा फाइनेंस, ई कॉमर्स, टेली कम्युनिकेशन में अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क को बढ़ाने के लिए ऑफकोर्स। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन में हमारा प्रोडक्ट क्या सच में उतना अच्छा है, उतना वैल्यूबल है, उतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, एनर्जी एंड यूटिलिटीज में कि कस्टमर्स कितने हैं, कस्टमर्स का डेटा। ठीक है, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर में कि हेल्थ जो इश्यूज आ रहे हैं, जो हेल्थ का रिकॉर्ड है पूरा, ठीक है, कैसे गवर्नमेंट उस चीजों पे काम कर सकती है, उस पे भी डेटा साइंस काम आता है। ठीक है, लाइक दैट ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। ठीक है, सबको पता है डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, सब ठीक है, सबको पता है कि मार्केटिंग क्या होती है बेसिक, है ना। अगर कोई आपसे बोलता है कि हम तुम्हारा व्हाट्सएप के जरिए यहाँ पर, या फिर इंस्टाग्राम के जरिए, या फिर किसी भी साइट के जरिए प्रमोशन करेंगे, ठीक है, तो इसमें भी एक डेटा इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है। ठीक है, जहाँ डेटा है वहाँ पे डेटा साइंस है, एज यू ऑल नो। ठीक है, चलो, तो ये अपॉर्चुनिटीज है जो डिफरेंट सेक्टर्स में, इसको हम और अच्छे से समझेंगे विद कंपनी नेम एंड द स्किल्स। ठीक है, उसके बाद अब डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको कौन कौन सी स्किल्स इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ऐसे तो मैंने आपको पूरा भी साइकिल समझाया है, ठीक है, बट थोड़ा बहुत अभी मैं आपको स्किल्स भी समझाती हूँ। जब मैंने आपको साइकिल समझाया डेटा साइंस का, तो मैंने काफी सारी स्किल्स के बारे में भी बात किया था। ठीक है, अब चलो थोड़े से उनके नाम भी ले लेते हैं, ठीक है, अच्छे से। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नाम आता है, सबसे पहले पाइथन आ जाता है। एक और बोलने वाली थी, बट पाइथन इज इम्पोर्टेंट, आई नो सबने पाइथन सुना है। ठीक है, पाइथन एंड आर, आर प्रोग्रामिंग भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है डेटा साइंस की दुनिया में। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है, हम ये बोल सकते हैं। बट पाइथन में ऐसी हमारी लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि बहुत सारी लाइब्रेरीज आपने सुना होगा, लाइक पांडा, नम पाई, या फॉर एनालाइजिंग अवर डेटा। ठीक है, एनालाइज करने के लिए, क्लीन करने के लिए। ठीक है, ये सारी की सारी लाइब्रेरीज। इसके बाद विजुअलाइज करने के लिए हमारे पास होती है मैटप्लॉटलिब और सीबॉन। इसके साथ भी और काफी सारी लाइब्रेरीज हैं, जो जब आप AIML पढ़ोगे, काफी चीजें पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएंगी। और आई होप, आई नो किसी ने, बहुत लोगों ने पढ़ी भी होगी। ऑफ कोर्स आप आईटी सेक्टर से हो, उस बैकग्राउंड से हो, तो आपने पढ़ी भी होगी। ठीक है, थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स और थोड़ा सा मैथमेटिक्स का तड़का, ज्यादा नहीं, थोड़ा। ठीक है, जैसे मैंने बताया, मीन मीडियन मोड से हटके हाइपोथेसिस टेस्टिंग ले जाना। ठीक है, थोड़ी सी जो एल्गोरिथम में हमें काम आए, थोड़ा सा मॉडलिंग में काम आए, तो वो चीजें स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, थोड़ी सी लगती है, ये आपको स्किल आनी चाहिए। यार ऐसा नहीं है कि यार कोई 11th 12th में कॉमर्स लिया कि उसको मैथ से बचना है, ठीक है, तो वो ये नहीं कर सकता है। या थोड़ा सा तड़का तो आप लगा सकते हो ना स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स का, ठीक है, जो मैंने बताया अभी। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हमको पड़ता है, जिसको हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, बेसिक वन। ठीक है, बिग डेटा पे काम करना, उस पे भी कुछ सॉफ्टवेयर जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन एंड क्लीनिंग, एज मैंने पहले बताया था आपको एक साइकिल में कि क्लीनिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है डेटा को करना। मैनिपुलेशन मतलब कि एक तरीके से एडिटिंग हम बोल सकते हैं, हम डेटा को एडिट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें उसमें भी, ठीक है, जो बहुत डीप में है। ठीक है, डेटा विजुअलाइजेशन जो मैंने बताया, वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक बोल सकते हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग, अगेन मशीन लर्निंग, जैसे मैंने साइकिल में बताया। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अगर आप कोई बिजनेस प्रॉब्लम सुन रहे हो, अगर आप कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम सुन रहे हो,
ठीक है, तो आपके दिमाग में एक थॉट आ जाता है तुरंत कि यार इस चीज को हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। सेम इज इट इज अगर हम जब कोड कर रहे हैं तो हमें लगता है कि यार मुझे कोड से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। हम अपना दिमाग चलाएंगे तो उसके लिए हमारी सी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट प्ले करता है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए आपको। ऑफकोर्स मैंने क्या बोला, एक डेटा साइंटिस्ट, ठीक है, एक जो नॉन लिविंग थिंग है डेटा, उसको एज अ लिविंग मतलब उसका इनसाइट्स निकाल के एक स्टोरी टेलिंग करता है, ठीक है। तो आप स्टोरी टेलिंग अगर कर रहे हो, बता रहे हो, समझा रहे हो किसी को, तो एक प्रॉपर वे में समझाना, ठीक है। लास्ट वन इज लाइक डेटा डिसीजन मेकिंग, आप सही या गलत डिसीजन कैसे कर रहे हो, ले रहे हो, वो एक इम्पोर्टेंट स्किल्स है। तो दीज आर द बेसिक स्किल जो आपको चाहिए डेटा साइंटिस्ट में या उसकी फील्ड में, ठीक है। ओके, सो पॉपुलर जॉब रोल्स हैं। बिफोर दैट हमने सेक्टर्स देखा था, अभी हमारे पास कुछ जॉब रोल्स हैं, एज इफ कि अगर आपको कहीं अप्लाई करना है या किस जॉब में जाना है तो ये उसके लिए बेसिकली हमारे रोल्स हैं। जैसे कि डेटा साइंटिस्ट, मैं कब से एक रिपीट करे जा रही हूँ डेटा साइंटिस्ट। तो फर्स्ट इज थिंग कि डेटा साइंटिस्ट क्यों मैं करती जा रही हूँ, क्योंकि इट इज लाइक वन ऑफ द मेजर हाईएस्ट पेड जॉब रोल, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 और मे बी 20 लैक, नॉट के, ओके। सो डेटा साइंटिस्ट, उसके बाद डेटा एनालिस्ट, वही काम है, डेटा को उठाओ, एनालाइज करो और यूजफुल इंसाइट्स निकालो उससे, ठीक है। ML मतलब मशीन लर्निंग इंजीनियर, ठीक है। स्टैटिस्टिशियन, वही बात है कि आप थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स सीख लो, कर लो, बस वही और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे ही डेटा इंजीनियर, BI एनालिस्ट, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, रिसर्च एनालिस्ट, यू कैन से रिसर्च साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, दीज और जॉब रोल्स रिलेटेड इन डेटा साइंस पर, ओके। सो मैंने एक छोटा सा यहाँ पे ग्राफ से भी आपको समझाने का कोशिश किया है, अकॉर्डिंग टू द US की डेटा साइंटिस्ट जो मैंने अभी बोला हाईएस्ट पेड जॉब रोल है ना, फिर डेटा एनालिस्ट हम बोल सकते हैं, डेटा आर्किटेक्ट, दिस इज द लिटिल काइंड ऑफ ग्राफ जो समझाने के लिए है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू कि जो कंपनीज इस डोमेन पे काम कर रही है, ठीक है, IT कॉर्पोरेट हम बोलेंगे, ठीक है, दीज आर द बेसिकली कंपनीज जैसे Amazon, Microsoft, TCS, सबने इसके नाम सुने, Accenture, Deloitte, ये भर भर के डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट हायर करते हैं, ठीक है, आराम से हायर करते हैं। इसके अलावा भी काफी सारी है, ये तो स्पेसिफिक जो मैंने टॉप कंपनीज हम बोलेंगे उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें से एक KPMG भी है। KPMG इज लाइक, यार बहुत लोग होते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब करना है, प्राइवेट नहीं करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है। KPMG इज अ प्राइवेट कंपनी बट इट वर्क्स ऑन अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट से इसको प्रोजेक्ट मिलते हैं और ये उस पर काम करती है। ऑफकोर्स पैकेज सबका स्टार्ट होता है समथिंग लाइक 10 टू हाइक में जाता है 25 या उससे ज्यादा भी, ठीक है। सो दीज ऑल कंपनीज जो यहाँ पे इस डोमेन पे वर्क कर रहे हैं, ओके। अभी ये जो स्किल्स, ये जितनी चीजें मैंने आपको बताया स्किल्स, और आपको मतलब क्या डेटा साइंस होता है, ठीक है, क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको पढ़ना होता है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम हमारे डिग्री प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, विच इज BCA इन डेटा साइंस, जो कि बच्चे 12th पास हैं, 10th पास है, 12th पास है, ओके, आगे अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, वो BCA डेटा साइंस हमारे पास कोर्स है उसके लिए। प्लस अब जो हमारे पोस्ट, हमारे ग्रेजुएट बच्चे हैं, ठीक है, जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, उनके लिए है MSc इन डेटा साइंस, ठीक है। मैं आपको अभी इसका ब्रोचर भी शो करूंगी एक बार, ओके। सो इसके बाद हमारे जो मैंने आपको बताया था टूल्स, टॉप मोस्ट टूल्स हैं, ठीक है, मैंने बात की थी पाइथन की और आर की, ठीक है, पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज मैंने बताई थी, आर के बारे में, ठीक है,
आर बेसिकली स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है. ठीक है, ये पाइथन से ज्यादा, मतलब पाइथन इससे ज्यादा पॉपुलर क्यों है, क्योंकि ऑफकोर्स पाइथन में हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है. ठीक है, बट स्टिल आर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, सेस सेस इज ऑल्सो अ स्टेटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर. ओके, एंड फॉर अ बिग डेटा हम वर्क करते हैं हडूप या फिर स्पार्क पे. ठीक है, एक्सेल, एक्सेल तो सबको पता है कि सबसे पहले एक्सेल पे ही हम डेटा पे काम करना शुरू करते हैं. ठीक है, एक्सेल पे ही हम चार्ट बनाना शुरू करते हैं. ठीक है, फॉर द डेटाबेस हम एसक्यूएल का यूज करते हैं. ठीक है, एंड फॉर द डेटा विजुअलाइजेशन वी यूज पावर बीआई एंड टैबलू. ओके, सो दीज आर लाइक, और इसके बाद हमारे पास कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि जुपिटर नोटबुक आपने सुना होगा. ठीक है, पाइथन की जुपिटर नोटबुक जिसमें हम वर्क करते हैं. ठीक है, उसके अलावा कोलैब में भी हम काम करते हैं. सो हियर एक डेटा मैं आपको प्रेजेंट करूंगी सिंपल सा, जो कि एज एक्सेल फॉर्म में होगा, बट अगर जब हम इसको विजुअलाइज करके, एनालाइज करने के बाद जब विजुअलाइज करते हैं पावर बाय द हेल्प ऑफ पावर बीआई टूल, तो इस तरीके से हमारा डेटा कलरफुल और यूनिक वे में शो होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा. ठीक है, इसके साथ ही हम एक पावर बीआई पे भी डैशबोर्ड बनाएंगे. ठीक है, एक तो चार्ट तो पक्का बनाएंगे. ओके, उसके बाद हमारा कुछ और भी कोर्सेज हैं. ठीक है, जैसे डिप्लोमा इन डेटा साइंस, बेसिकली ये 1 ईयर का है. ठीक है, 12 मंथ्स 1 ईयर का कोर्स है हमारा. उसके अलावा हमारे पास कुछ मिड टर्म कोर्सेज भी हैं, लाइक सर्टिफिकेट इन डेटा साइंस, सर्टिफिकेट इन बिग डेटा 6 मंथ ड्यूरेशन, सर्टिफिकेट इन डेटा एनालिटिक्स यूजिंग एक्सेल एंड पावर बीआई, ओके, विच इज 6 मंथ. This is BCA course in data science. इसमें आपका 3 ईयर का कोर्स रहेगा. ठीक है, 18 सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको सीखने को मिलेंगे, सॉफ्टवेयर्स पर प्रोग्रामिंग टूल्स जो आपको मिलेंगे. ठीक है, ये बेसिकली पूरा वाउचर है जो BCA का है. ठीक है, जैसे कि आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, मैंने आर बताया आपको, बिग डेटा, पाइथन, हडूप, ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, पावर बी आई, टैबल्यू, सारी चीज़ें, कंपनीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं. ठीक है, एंड हियर अबाउट द MSc सेक्शन, दिस वन, यहाँ पर आपको 12 सॉफ्टवेयर इन 3 ईयर सीखने को मिलेगा. ठीक है, काफ़ी सारी स्किल्स भी आप इसमें सीख सकते हैं जो मैंने अभी मेंशन करी है आपको. ओके, नाउ वी विल मूव इनटू द पावर बीआई डैशबोर्ड. ओके, आई होप आपको पावर बीआई का इंटरफेस शो हो रहा होगा. ये शाविर, दिस वन इज अ इंटरफेस ऑफ पावर बीआई. I hope सबको शो हो रहा होगा ये, है ना, राइट? जस्ट से यस. ओके, सो हम एक डेटा लोड करते हैं बेसिकली, है ना. सबसे पहले फॉर लोडिंग अ डेटा टू क्लिक ऑन गेट डेटा. ओके, एक एक्सेल के फॉर्म में जो डेटा है, ठीक है, मैं आपको अभी शो करती हूँ. दिस वन नोन एज सैंपल सुपर स्टोर. Just wait for a minute.